नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और थोड़ी सी बातचीत करेंगे दोस्तों मार्केट को लेके और मूड माहौल क्या बना हुआ है। एंड थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा कल को लेके भी कि एसजेएक्स निफ्टी जो है आपका 17,070 दिखा रहा है, 240 पॉइंट गैप डाउन, इसको लेके भी थोड़ा आपसे बात करूँगा। और फ़िलहाल जो मूड माहौल दुनिया में बना हुआ है, IMF ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि रिसेशन आ चुका है। तो पहली बड़ी कोई एंटिटी जिसने ये बोल दिया हो कि रिसेशन आ गया, अदरवाइज सब कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने आएगा, ठीक है, टेक्निकली है, ये सब चीज़ें अभी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और फेड वालों ने तो पिछले 2 महीने में ही एक्सेप्ट करना शुरू किया है कि हाँ हम सच में कुछ गलत है, सच में कुछ ये, अदरवाइज दिस इन्फ्लेशन इज़ टेम्परेरी। एंड उनकी कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव होती थी, पिछली 2 मीटिंग से वो हॉकेश कमेंट्री दे रहे हैं और एक्सेप्ट किया है, तो बहुत ही काफ़ी देर में एक्सेप्ट किया उन्होंने, ठीक है। अब चीज़ें जो हैं, आज आप पढ़ेंगे तो IMF ने आज बोला है, कल बोला है कि रिसेशन इज़ ऑलरेडी देयर। आप उसका वो मत करिए कि भाई रिसेशन आने वाला आएगा, रिसेशन है, रिसेशन आ चुका है। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लेशन का हाल यह है, जो खाने पीने की ब्रेड होती है ना भैया, उसके दाम एक 10 रुपये की चीज़ है तो वो 50 से 60 रुपये की बिक रही है, अगर आपको ब्रेड खाना है, ठीक है। तो वहाँ तो बहुत बुरे हाल हैं, एनर्जी के बिल गवर्नमेंट को माफ़ करने पड़ रहे हैं, बट ये चीज़ें अल्टीमेटली क्या है, प्रेशराइज कर रही हैं किसको, ठीक है, किसको किसको हिट कर रही हैं भैया, आपके आपकी जो बोन्स बैकबोन, जो आपके इकोनॉमिकली आपने दुनिया में झंडे गाड़े हुए हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK, बेल्जियम, पोलैंड, दीज आर दी आर सुपर इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल यूरोपियन कंट्रीज, पैसा दबा के इनके पास। अब देखिए इनकी हालत क्या है, टाइम साइकिल कैसे घूमता है, ठीक है, छोटी छोटी कंट्रीज हैं बट बहुत ही रिच हैं, ठीक है, इन सब की बैंड बजी हुई है, सब की हालत पतली है, ठीक है दोस्तों। तो GDP VDP इनका तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, सब बात हो रही है कि भैया टाइम निकालो, और इन सर्दियों में तो इनके तोते उड़ने वाले, जो बस खड़ी हैं बिल्कुल दरवाजे पे 1 महीने बाद। अब बात करते हैं थोड़ा सा दोस्तों, सीधी सीधी मैं छोटी वीडियो रखूँगा और स्टॉक मार्केट की। देखिए रिसेशन ये है, आप बहुत वीडियोस देखते होंगे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट 30% क्रैश हो जाएगा, मार्केट 40% क्रैश हो जाएगा, मार्केट 50% क्रैश हो जाएगा, बहुत सुनते हैं, ठीक है। मैं भी आपके साथ 1-2 वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि, पर टेक्निकली शेयर किया है मैंने, और तब शेयर किया है कम से कम 1-2 महीने हो चुके होंगे, कि ये लेवल्स हैं, ये ऐसे ऐसे रिटेस्ट होते हैं, ATH हैं जो ऐसे ऐसे रिटेस्ट होते हैं, जैसे पूरी दुनिया के इंडेक्सेस के जो ATH था कोविड के पहले वाला, वो अब जाके रिटेस्ट हो गया है। ये रिटेस्ट नहीं हुए थे बट अपने मार्केट में अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ। तो टेक्निकली अगर बात की जाए तो वो लेवल्स, उनके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है, अभी भी बना चुका हूँ, पिछले साल भी बना चुका था, और 2022 की स्टार्टिंग में ही मैंने जनवरी फरवरी में वीडियो बना के बोला था कि इस साल मार्केट में तेज़ी नहीं होने वाली, ठीक है, या तो मार्केट नीचे चला जाएगा या मार्केट साइडवेज रह जाएगा। तो मार्केट हो गया है साइडवेज, पिछले साल भी हम 17,000 के आसपास थे, इस टाइम तो 18,000 के लगभग जा चुके थे, और एक साल के लगभग हम उसी जगह खड़े हैं जहाँ थे, लगभग ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मार्केट पिछले एक साल से साइडवेज है, नीचे की तरफ जाता है, रैली उसमें ऊपर अच्छी खासी हो जाती है। अब क्या हमारा स्टॉक मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, कितना जाएगा, दोस्तों इन चीज़ों के बारे में ना ही पढ़ो ना ही सोचो तो अच्छा है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, कुछ देखने सोचने समझने की इन चीज़ों पे ज़रूरत नहीं है। आप लेवल्स के द्वारा ही कंफर्म कर सकते हैं हम नीचे गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। आप सीधी सी बात याद कीजिए, मैंने जो वीडियो बना के बोला था कि 17,400 के नीचे क्लोजिंग आने पे 16,800 तक का जोन ओपन हो जाता है। आपको 16,800 का जोन स्क्रीन पे दिखा। अब कभी भी 16,800 के नीचे क्लोजिंग आने पे आपका 16,200 से लेके 16,000 तक का जोन ओपन हो जाता है।
तो आप वो ट्रेडिंग करिए, रिस्क रखिए अपना कितना कि भैया कोई भी क्लोजिंग 17,000 के ऊपर आती है मेरा SL हिट है, मेरे टारगेट है 16,400, 16,400, 16,200 और 16,000, ठीक है। अब कभी भी मार्केट 16,000 के नीचे चला जाता है, आपका जोन ओपन हो जाता है 15,600 से लेके 15,300, तब आप SL रखिए कोई भी सिंगल क्लोजिंग 16,200 के अबव, नीचे आपके टारगेट। ये ट्रेडिंग इस हिसाब से करनी है, ठीक है, रिस्क छोटा रख के नीचे के लेवल्स। बाकी आप सोचेंगे कि रिसेशन, क्रैश, ये सब वगैरह, तो अंधाधुंध पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है कि दुनिया के मार्केट नीचे गिर गए, 70% गिरने वाला है, ये इसने माइकल बेरी ने ये बोल दिया, वो मिस्टर डूम ने ये बोल दिया, डॉक्टर डूम क्या नाम है उसका, ठीक है, IMF ये बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक ये बोल रहा है, भैया अपना मार्केट तो 17,000 पे खड़ा हुआ है, कोई जो मर्जी बोलता रहे। देखिए आप वो लाइन आती है ना, स्टॉक मार्केट में काम करना, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी काम जोखिम के अधीन है, भैया इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना जानलेवा है, जोखिम के अधीन भी नहीं है। पूरी दुनिया के मार्केट गिर रहे होते हैं, अपना मार्केट इकलौता मैनिपुलेट करके ऊपर चढ़ रहा होता है, वो ऊपर जा रहा होता है, लोग सर खुजा रहे होते हैं चिड़ में आके कि ये गिर क्यों नहीं रहा है, ठीक है। कोई अब उस चिड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ना चाहते हैं अपने लॉस का, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वैसे निकालते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने घर के अंदर अपनी बीवी बच्चों पे, होते हैं कुछ लोग ऐसे, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करना सच में जानलेवा है, तो ये रिस्क अगर आप ले सकते हैं, सोचिए समझिए तो ही ट्रेडिंग करिए, अन्यथा इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। इन्वेस्टमेंट पे खरीदिए, माल खरीदिए 2030 तक के लिए खरीदिए, 4 से 5 साल तो आपको अपनी बाइंग को टाइम, वॉरेन बफेट ने बहुत बढ़िया एक चीज़ बोली है, आप अगर कुछ बाय कर रहे हैं उसको 10 साल तक नहीं रख सकते तो बाय मत करिए स्टॉक मार्केट में। ये चीज़ आज के टाइम में बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि ग्रोथ जो है ना वो एक, मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल हॉल्ट ही रहेगी जो ग्रोथ है, तो अगर आप कुछ बाई कर रहे हैं उसको 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट 2025-26 तक तो होल्ड कर सकते हैं, तो ही बाई कीजिए, नहीं तो वो पैसा अगर आपको यूज़ करना है तो भैया इन्वेस्ट मत करिए स्टॉक मार्केट में इस टाइम पे, इस जगह पे, ठीक है। इन्वेस्टर बाय करिए, अब वॉरेन बफेट के स्टाइल में बाय करना है, अब ये ऐसे नहीं बाय करना है कि 6 महीने के लिए बाय कर लिया, 1 साल के लिए बाय कर लिया, ठीक है। फोकस करिए अपना रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर पे फोकस करिए, अपना हॉस्पिटल के सेक्टर पे फोकस करिए, ठीक है, अपना इथेनॉल के सेक्टर में फोकस करिए, वो लोकल डिमांड पे काफ़ी चलेगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ती चली जाएगी, देखिएगा 20% का हमारा इंडियन अपना ये इंडिया की गवर्नमेंट का लक्ष्य है, और उसके बाद 20 से 30% को भी कभी को पहुँचेंगे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाएगी, तो जितने शुगर वाले स्टॉक हैं इनका धंधा बढ़ेगा भाई, अभी तक सारे स्मॉल कैप हैं, मिड कैप आप बन जाएंगे। इस इथेनॉल सेक्टर पे फोकस करिए, केमिकल सेक्टर तो एवरग्रीन है ही है, उसमें जो फ्लोरो फ्लोरीन इन टाइप की चीज़ें हैं उस पर देखिए आप, नवीन फ्लोरीन काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, एक निकल एडहेसिव का स्टॉक है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी है चीज़ें, तो इन पे देखिए। IT काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, बट मुझे लगता है IT एक लो और मारेगा नीचे की तरफ। सॉरी दोस्तों, ये मेरा बच्चा है मेरे साथ, मेरे रूम पे ही रहता है, ओए वीडियो मत खराब कर, शांत हो जा, बात करने दे। तो ये हो गया दोस्तों मोटा मोटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, देखिए वीडियो देखिए, काफ़ी 5-5, 10-10 लाख के सब्सक्राइबर हैं जिनके, जो वीडियो अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत हैं, सीनियर हैं हमसे, 70% मार्केट करेक्ट। इन मेरा कहने का मतलब यही कि इन चीज़ों को देख के आप कोई शॉर्ट मत करके बैठ जाइए आँख बंद करके, ठीक है। अगर करते भी हैं शॉर्ट करने से पहले, सेल का बटन दबाने से पहले निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक लेवल ज़रूर मार्क कर लीजिए कि भैया 17,500 के ऊपर क्लोज हो गया तो मैं शॉर्ट की पोजिशन काट लूँगा, ठीक है। जाने दो अगर 17,500 के ऊपर जाता, अगर 17,500 के फिर नहीं, फिर नीचे आता फिर खड़ी कर लीजिए, अगर आप इतने ही बड़े बियरिश हैं आप फिर खड़ी कर लीजिए, हाल तो ऐसा करना नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया उसके हिसाब से
ट्रेडिंग करनी चाहिए, तरीका वही है ट्रेडिंग करने का, रिस्क छोटा रिवॉर्ड बड़ा, जो जोन ओपन होते चले जाते हैं उनको ट्रेड करते चले जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कल की। देखिए एसजेक्स निफ्टी दिखा रहा है अपना 244 और डाउ जोन्स जहाँ पर है अभी 29,200। देखिए वो जहाँ रुक गया है ना वो एक सपोर्ट है और बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 29,200 एक बहुत 29,000 से लेकर 29,200 ये जो 200 पॉइंट का उसका जो सपोर्ट है ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। अभी जो चाल आएगी मार्केट में वो टोटली एंड टोटली, देखिए मंडे का तो कुछ कह नहीं सकते, अगर डाउ जोन्स फ्लैट भी रहा मार्केट अपना गिरना है, मंडे को गिर जाएगा, बट मंडे की शाम से अगर डाउ जोन्स फर्दर गिरता है तो हम लोग पूरे दुनिया में आगे की तरफ मार्केट में गिरावट ही रहेगी और शायद हम कुछ ज़्यादा ही गिर जाएं, ठीक है, हम शायद कुछ ज़्यादा ही गिर जाएं। बट अगर डाउ जोन्स मंडे की शाम से रिकवरी देता है तो ट्यूसडे अगेन आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। आप पिछले एक से डेढ़ महीने निकाल के देखिए, 6 से 7 2 महीने इनफैक्ट, जो ट्यूसडे वाला दिन है ना भैया, एक ही ट्यूसडे को मार्केट गिरा है, वो जो सितंबर की एक्सपायरी वाला वीक था, अदरवाइज साला हर मंगलवार को ज़बरदस्त तेज़ी होती है भैया, 300-400 पॉइंट की तेज़ी होती है ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे को चार्ट खोल के देख लीजिए आप, ठीक है। वो फाइनेंशियल निफ्टी का पता नहीं क्या टंटाव शुरू हुआ है, हम भरपूर तेज़ी होती है उस दिन, और बजाज फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग, ये मुथूट फाइनेंस, ये सारी NBFC भागती हैं उस दिन, जैसे उस दिन पोजीशन जो बनी हुई है वो पूरी तेज़ी की बनी हुई है, उसके पीछे पीछे बैंक निफ्टी भी लग लेता है 11-12 बजे, ये भी ऊपर की तरफ मुंह कर लेता है, और निफ्टी में वेटेज है ही इनका, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस का, ये भी ऊपर की तरफ चल पड़ते हैं, तो मंगलवार को तो बढ़िया तेज़ी होती है। तो मूड माहौल अगर ख़राब रहा तो ही हम ट्यूसडे को नीचे की तरफ एंटिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ध्यान रखिएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब थोड़ा सा कल को लेके बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आप, पूरी दुनिया ना बेयरिश है, पूरा सोशल मीडिया बेयरिश है, पूरा यूट्यूब बेयरिश है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, ऑपरेटर कभी कभी नहीं ज़्यादातर उसको ये माहौल चाहिए होता है रिटेलर का खून पीने के लिए, ठीक है, ये पिशाच है, इनको खून पीना होता है आप लोगों का, ठीक है। तो थोड़ा सा होशियार रहिएगा, स्टॉक मार्केट में बाजी पलटते हुए देर नहीं लगती, स्पेशली जब ऐसा मूड माहौल बन जाता है सोशल मीडिया, यूट्यूब, टीवी, चारों तरफ आपको कि भैया गया मंडे को तो मेरा कहना आपको एक ही है, देखिए लगता तो मुझे भी नीचे की तरफ ही जाना चाहिए, टेक्निकल भी नीचे की तरफ 16,950 से 16,900 तो आना चाहिए, उसके बाद हमको देखना है क्या 16,880 का जो लेवल बना था उसके नीचे मार्केट टिकता है कि नहीं। जो क्लोजिंग आई थी लास्ट मंडे को ठीक है, वो अगर नहीं ब्रेक होती है तो मार्केट वहाँ से रेंज बाउंड हो जाएगा इस पूरे वीक के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और सेल करना है ये करना, ये सब वैलिड है, प्योर मैंने आपको एक लेवल बताया हुआ है 17,160, ये लेवल अगर क्रॉस होता है भैया आपको किसी प्रकार से भी, किसी भी तरीके की भी, कैसी भी, कितने भी बड़े पुट प्रेमी आप हो, काट दीजिएगा पोजीशन को काट दीजिएगा बिलो 17,160 बी ऑन सेल साइड, अबव 17,160 वेट फॉर माय सिग्नल, बाय करना है कि नहीं करना है, बट शॉर्ट पोजीशन आपकी नहीं रहनी चाहिए 17,160 के ऊपर। मार्केट 17,160 के ऊपर जाता है, आधा पौना घंटा घूमता है, दोबारा 17,160 के नीचे आता है, 17,200 का SL रख के दोबारा सेल कर दीजिए, 17,200 का SL रख के दोबारा सेल कर दीजिए, बट सेल में रहिएगा तभी जब मार्केट 17,160 के नीचे रहता है। ये आप इसको लिख लीजिए अपने घरों की दीवारों पे, मार्केट का जोन तभी ओपन होगा
जब वो 17,160 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये तीन दिन में क्रॉस नहीं कर पाता, तो आपको स्क्रीन पे जरूर 16,700 से लेके 16,600 का लेवल दिख जाएगा नेक्स्ट वीक में। बट किसी भी कारणवश 17,160 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, मार्केट हो जाएगा रेंज बाउंड। अब ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो फिर मैं मंडे का एनालिसिस या लाइव मार्केट में आपको बताने की कोशिश तभी करूँगा। फिलहाल जिन्होंने पुट ले रखी है खुलते ही बुक करिए, इतना बड़ा गैप डाउन मिलता है, मौका नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ जरूर बुक करना है। बाकी आप ट्रेल करिए, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ ट्रेल करिए, या फिर फ्रेश आपको पोजीशन बनानी है तो जिस प्रकार से मैंने बोला है उस प्रकार से आप पोजीशन बनाइएगा, ठीक है। जहाँ से भी आप सेल करते हैं यूनिवर्सल एसएल का इस्तेमाल कीजिए, या फिर वेट 17,160 के आसपास आता है तो ट्रेड प्लान आपके साथ मैंने डिस्कस कर ही दिया है। तो ये था दोस्तों, चीज़ें आपको बोलनी ज़रूरी थी, एक आपको रिफ़्रेश करना ज़रूरी था। दिमाग जो है क्या है, ब्रेन जो है बायस्ड हो जाता है अच्छे अच्छों की वीडियोस देख के, ठीक है, क्योंकि मैं भी निकला हूँ इन चीज़ों अच्छे, बहुत लोगों को फॉलो किया यार, फैन था और सब अच्छे, जैसे वो टोपी वाले अंकल हैं, हा 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 मज़ा आता है उनकी वीडियो देख के, ठीक है। और काफ़ी हैं, मतलब बहुत हैं यार, सब अच्छे हैं, बट अल्टीमेटली मैंने समझा यार कि कुछ भी कर लो, कुछ भी देख लो, बाई सेल का बटन दबाने में तो कोई हेल्प कर ही नहीं रहा है। आज मार्केट में ये हुआ, आज मार्केट में ये इतना बड़ा, अरे यार ये तो मैं देख चुका हूँ, मुझे कल क्या करना है, मुझे कल कहाँ। देखिए मार्केट मंदा रहेगा वो एक अलग चीज़ है, मैं आपको एक ऐसी थोड़ा जीटी का ज्ञान दे देता हूँ आपको 5 मिनट का, डिटेल्स के भी ऊपर वीडियो आती है, ठीक है। कल वर्ल्ड मार्केट बेयरिश रहेगा, कल प्राइस एक्शन के बेस पे हमें सेल करना है, क्योंकि प्राइस एक्शन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ऑप्शन चेन को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वर्ल्ड मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितनी एनालिसिस ये डेटा को देख के फिर वर्ल्ड मार्केट, अरे वर्ल्ड मार्केट तो पूरा नीचे है, डेटा भी ख़राब है, अपना मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है, उसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को अगर प्राइस एक्शन पढ़ना आता है, हाल तो 90% लोगों को प्राइस एक्शन पता ही नहीं है, बोलेगा एक हाई बनाता है मार्केट, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा उस हाई को काटता है, प्राइस एक्शन ऐसे नहीं होता है प्राइस एक्शन, ठीक है। वो एक जो ट्यूसडे को तेज़ी आई थी 17,300-400 से सीधा 17,780 चला गया था, उस दिन तो मार्केट ने छोटा सा भी रिट्रेस नहीं किया था, तो कौन सा प्राइस एक्शन देखने को मिला 400 पॉइंट का, ये बताइए ज़रा, ठीक है। बात ये है, कोई कहीं भी आप सुन लो तेज़ी करनी है, कहीं भी सुन लो आप मंदी करनी है, कल मार्केट तेज़ रहेगा, कल मार्केट मंदा रहेगा, ये सब चीज़ें बहुत ही आसान है भाई, क्योंकि मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट गिरता है या मार्केट बढ़ता है, बात है पोजीशन कैसे बनानी है, ये कंसेप्ट है ट्रेडिंग का, ठीक है। ये वही बता सकता है जो ट्रेड करके पैसा बना रहा हो। देखिए समझिए, आदि जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं प्रॉफिट बनाते हैं अच्छा, ये पर सेलिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं, ऑप्शन सेलिंग करके, ठीक है, और या फिर हेजिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं कि इतनी पुट बाय कर ली तो इतने फ्यूचर को उसके तेजी की तरफ बाय कर लिए, अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है हेजिंग में और सेलिंग में, और इनके पास पैसे अच्छे होते हैं, ठीक है। बट जो कंसेप्ट है, जो जिस चीज़ पर एक कॉमन रिटेलर ट्रेड करता है, वो तो कॉल और पुट बाय करके प्ले करता है भैया, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, ठीक है। उसका मेन कंसेप्ट है पैसा कमाने का, ये नहीं है कि किसी की वीडियो देख के कि कल तेजी करनी है, किसी की वीडियो देख के कि कल मंदी करनी है, बात है कि पोजीशन कैसे बनानी है, ठीक है। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद वीडियो ख़त्म करूँगा, विराम दूंगा। मैंने आपको बोला मंदी करनी है, कहा ठीक है, तो कल क्या आप कहीं से भी शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, ठीक है, ऐसे। और बहुत गलती करते हैं लोग, इसलिए मैंने एक चीज़ आपको एक रामबाण चीज़ दी कि भैया आप चलो कर भी दिया, आपने कहीं से भी सेल कर दिया, यूनिवर्सल एसएल फॉलो करो,
छोटू प्लेयर के लिए 30 पॉइंट का, थोड़े से जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो 40 से 50 पॉइंट का। तो मैंने आपका एक लॉस फिक्स कर दिया, आप चाहे गलत भी किसी गाड़ी में बैठ गए हैं, आपका एक लॉस फिक्स है, आपका एक्सेल फिक्स है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट ओपन कहाँ होता है, आपको ठोकना है मार्केट, उस पर डिपेंड करता है कि आपको पोजिशन कहाँ से बनानी है। अब देखिए, कल मार्केट अगर 17,000 और 17,050 के बीच में खुलता है तो भैया वहाँ से जो लेवल निकल के आता है वो निकल के आता है 17,050। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो फिर आपको शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। अगर मार्केट 17,000-17,050 के बीच में खुलता है तो आप वहाँ पे 17,160 का थोड़ी असल लेके चलोगे, ये तो बेवकूफ़ी हुई, 100-125 पॉइंट का आप एसएल लेके चल रहे हो तो वहाँ पे एसएल क्या है, 17,050 है, बाय नहीं करना है फिर आपको अगर 17,050 के ऊपर निकल जाता है। फिर ये जाएगा 17,080-100 के करीब जाएगा, 17,100 के ऊपर निकलता है वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए, क्योंकि वहाँ पे अब रिस्क कितना है, 17,160 के आसपास है, 40 से 50 पॉइंट का रिस्क है वहाँ पे, फिर वहाँ पे शॉर्ट बनता है। तो मंदी भी करनी है, पोजीशन कहाँ बनानी है ये चीज़ सीखनी है। ये चीज़ जिस दिन आप पकड़ना सीख गए, सबसे पहला होगा कि आप अपना एसएल फिक्स कर ले रहे हो, आप ये समझ चुके हो कि मेरा एसएल कहाँ पर होने वाला है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जिस दिन पकड़ लिया आपने और आपके डीमैट अकाउंट पे पैसा है, आपने 9:15 से लेके 3:30 बजे तक मार्केट निकाल दिया, समझ लीजिए बिना पोजीशन लिए आपने ट्रेडिंग की पहली तरफ सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली है। सफलता की पहली सीढ़ी ट्रेडिंग में यही है, खुजली पर काबू रखना। अगर आप सीख गए खुजली पर काबू रखना तो समझ लीजिए स्क्रीन देख के अगर आपने निकाल दिया ना टाइम पहली सीढ़ी, दूसरा जो ये मैंने, ये हालांकि बहुत एक्सपीरियंस आता है जो मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये फिर मार्केट की क्या कहते हैं सुबह सुबह खुल कहाँ रहा है साला, डेली कैंडल कहाँ पे बनी है, ये चीज़ों का थोड़ा ज्ञान होना ज़रूरी है अपने रिस्क को कंटेन रखने के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आई होप लास्ट में थोड़ा जीटी का फालतू ज्ञान आपको अच्छा लगा हो, बट बहुत पते की बात मैंने बोली है यार, मैंने बहुत बहुत बाद में सीखी ये चीज़ें, पहले तो बस सेल करके बैठ गए, ना कुछ पता ना आता, पैसे साले डूबे, फिर छोड़ दी ट्रेडिंग, फिर पैसे इकट्ठे किए, फिर घुसे, दो दिन प्रॉफिट लिया, लगा कि समझ गए हैं आ गया है, तीसरे दिन सब साफ, फिर थोड़े दिन अलग हो गए, मार्केट को देखते रहे, फिर किसी और यूट्यूबर को फॉलो किया, किसी को ये किया, ठीक है, किसी की पेड सर्विस ली, सेमिनार किसी का वेब ज्वाइन ऐसी ले लिया ऑनलाइन फ्री, पैसा दे के तो मैंने आज तक लिया ही नहीं, ऑनलाइन वाले फ्री कभी मिलते थे तो वो सब ज्ञान है, वो सब ज्ञान तो आप रचना फड़के जी मैडम है उनकी वीडियोस देख लीजिए आप, अच्छा खासा ज्ञान है, बढ़िया नॉलेज हो जाएगी आपकी स्टॉक मार्केट की। पर भैया जब खुद स्क्रीन पे बैठ के बाई सेल का बटन दबा के अपनी पल्स को काबू में रखना और अपने हिसाब से रिस्क को लेके चलना, वो होती है ट्रेडिंग, ठीक है। वो तो आप ही करोगे यार, वो दूसरा कोई नहीं बता सकता, चाहे किसी की भी कॉल टिप्स ले लो, चाहे किसी की भी पेड सर्विस ले लो। एक कीड़ा बहुत होता है लोगों में, एकदम से किसी और को देखा, अरे यार ये तो बढ़िया बता रहा है, ठीक है, अरे इसकी सर्विस लेता हूँ। अरे भैया किसी की भी सर्विस ले रहे हो, कम से कम 2 महीने फॉलो करो उसको, उसके बाद उसकी पेड सर्विस लो। आपको उसका स्टाइल पता नहीं, आपको उसके बोलने का मतलब पता नहीं, 2 दिन आपको उसको देखते हुए नहीं हुए, आपने उसकी पेड सर्विस ले ली, ठुकोगे। आपको उसके हिसाब से अपने आप को ट्यून करना है, वो थोड़ी आपके लिए ट्यून करके बैठा है, उसको थोड़ी पता है कि भाई फलाना शर्मा जी ने मुझे आज से फॉलो शुरू करना शुरू किया है, अब मुझे शर्मा जी के तरीके से कॉल पुट बताना है उसको, ठीक है। ऐसे नहीं है यार, आप कम से कम 2 महीने फॉलो करो, 2 महीने देखो उसको, उसको पर पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस किसी में नहीं है, ठीक है। आदमी क्लास में पढ़ता है, 1 से लेके 12वीं पास करता है, कॉलेज करता है, किस लिए, ताकि कुछ बने, नौकरी करे और पैसा कमाए, ठीक। कभी ऐसे हुआ है क्या, 1 महीने में 9th पास कर ली, अगले महीने में 10th पास कर ली, उससे अगले महीने में 11th पास कर ली,
उससे अगले महीने में 12th पास कर ली, फिर 4 साल का कॉलेज आपने 4 महीने में कर लिया, और फिर खड़े हो गए लाओ भैया कहाँ है नौकरी, लाओ मेरे पैसे, हुआ है क्या साहब? अरे भैया एक एक साल लगता है एक एक क्लास पास करने में, पर स्टॉक मार्केट में आपको कल ही पैसा चाहिए, पढ़ाई लिखाई कुछ छोड़िए वो तो दूर की बात है, कल ही पैसा चाहिए, निफ्टी चाहिए, बैंक निफ्टी के हज़ार हज़ार पॉइंट चाहिए, तंबूरा लगेगा हाथ में, ऐसे लोगों पे तो तंबूरा लगेगा हाथ में, और यही है, और ऐसे मैक्सिमम पता है कौन से हैं, ये जो कोविड के बाद वाले, दो प्रकार के ट्रेडर है, कोविड के पहले वाला ट्रेडर है, मैं हूँ जो जैसे हमारी कैटेगरी के, ये कोविड के बाद वाले ट्रेडर है जिनको क्या है डिप बाय कर लेनी है, डिप मिले बाय, अभी तक तो ये कंसेप्ट कामयाब रहा है वैसे, पर आगे मुझे लगता नहीं है रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया हो, और भाई एक रेड अलर्ट में दे देता हूँ, मैं वार्निंग दे देता हूँ, मैं एक महीना लगभग हो गया है, काफ़ी एक्यूरेसी बन रही है, मैं किसी भी दिन गलत साबित हो सकता हूँ, तो बी इन योर लिमिट्स, अपने पैसे को हल्का करके ही मेरे व्यू पे मेरे लेवल्स पे ट्रेड करिए, मैं किसी भी दिन वो गलत साबित हो सकता हूँ, किसी भी दिन, ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई सही नहीं हो सकता, जैसे विराट कोहली ये सब भी भैया फेज आता है, गलत होते हैं लोग, सचिन तो क्रिकेट के भगवान थे, वो भी भाई 0 पे डक पे आउट होते थे, मैं किसी भी दिन 0 पे आउट होने वाला हूँ, आप अपना पैसा रिस्क ले के चलें, ठीक है, किसी पोजीशन में बड़ा पैसा मत लगाइए, बस ये मैं आपको वार्निंग दे दे रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है मैं गलत साबित होने वाला हूँ, आने वाला है बस, कोई कोई दिन जा रहा है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।